हे गाइस, दिस इज सैफी आलम एंड वेलकम टू एस्टर यूट्यूबर। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके न्यूटन्स लॉ पे बेस्ड है। यहाँ पे जो आपको देखने से लग रहा होगा कि डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ, यानी कि हमें न्यूटन्स का थर्ड लॉ और फर्स्ट लॉ में प्रूव करना है, डिराइव करना है सेकेंड लॉ से। अब मन में ख्याल आ रहा है बहुत सारी बातें कि सर आप न्यूटन सेकेंड लॉ से ही न्यूटन थर्ड लॉ और न्यूटन फर्स्ट लॉ क्यों ऑब्टेन कर रहे हो, क्यों डिराइव कर रहे हो। चलिए इस तरह हम लोग डिस्कस करेंगे बातें। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें जो फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ लाना है न्यूटन सेकेंड लॉ से, तो फर्स्ट लॉ में हमारा क्या कहा जाता है कि आपने पढ़ा होगा क्या, नेट फोर्स हमारा क्या होना चाहिए, नेट फोर्स हमारा जीरो। और नेट फोर्स जीरो होगा तो हमारा एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो। और जब एक्सीलरेशन जीरो होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट होगा, मतलब जीरो होगा। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ में है। न्यूटन थर्ड लॉ में क्या होता है कि एफ ए बी, अगर कोई ए और बी कोई दो बॉडी है तो एफ ए बी इक्वल होता है माइनस एफ ए बी माइनस एफ बी ए। ठीक है, एफ ए बी इक्वल माइनस एफ बी ए। अब बताऊंगा अभी क्या होता है ये सब। फिलहाल अब आपको मैं बता दूं, दरअसल मैं यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ प्रूव कर रहा हूँ न्यूटन सेकेंड लॉ से। मन में ख्याल आ रहा है कि सर आपने न्यूटन सेकेंड लॉ से ही क्यों न्यूटन थर्ड लॉ और न्यूटन फर्स्ट लॉ निकाला, आखिर इसका माजरा क्या है, न्यूटन साहब क्या बताना चाह रहे हैं। तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि न्यूटन साहब ने हमें तीन लॉ दिया बेशक, जिसको हम जानते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। लेकिन मैं यहाँ पे जो कह रहा हूँ न्यूटन सेकेंड लॉ से, तो दरअसल मैं आपको बताना यह चाह रहा हूं कि हकीकत मानो तो न्यूटन साहब ने यह कहा, न्यूटन साहब ने यह कहा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ में फोर्स, न्यूटन साहब ने बताया कि फोर्स क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ में बताया फोर्स कितनी है, और न्यूटन थर्ड लॉ में न्यूटन साहब ने क्या बताया कि फोर्स कैसी लग रही है। गौर कुमार मैं क्या कर रहा हूं, न्यूटन साहब फर्स्ट लॉ में बताया कि फोर्स क्या है, ओके फोर्स क्या है। सेकेंड लॉ में न्यूटन साहब क्या बताया कि फोर्स कितने लग रही है, व्हाट अमाउंट ऑफ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। एंड थर्ड लॉ में उन्होंने बताया क्या कि फोर्स कैसी लग रही है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे न्यूटन थर्ड लॉ में क्या होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर होता है उसमें, एकदम बिल्कुल होना ही चाहिए एक्शन रिएक्शन पेयर। ये तीन बातें बताई। लेकिन दरअसल आपको हकीकत बात से मैं रूबरू कराना चाहूंगा कि जब हमने यहां पे न्यूटन सेकेंड लॉ से इस दो को हमने प्रूव करने की बात कर रहे हैं, इसका ये मतलब होता है कि हकीकत मानो तो न्यूटन फर्स्ट लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ होता ही नहीं है। ये तो मनगढ़ंत बातें हैं, ये तो हकीकत मानो तो मनगढ़ंत बातें हैं। न्यूटन साहब जरा सोचिए ना भाई, न्यूटन साहब अपने सेकेंड लॉ में क्या कहते हैं, न्यूटन साहब अपने फर्स्ट लॉ में क्या कहते हैं, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो कॉन्स्टेंटली मोशन में रहना चाहेगा, है ना, यही बात बोलते हैं। तो जरा सोचो ना भाई कि अगर कोई बॉडी, सोचिए कि कोई बॉडी मोशन में है तो क्या हमेशा मोशन में ही रहेगा। हम बाइक से चल रहे हैं, एक्सीलेट कर दिए, बाइक की ऑन की एक्सीलेट किए और उसे चल रहे तो चलते रहेंगे जब तक उसे फोर्स नहीं लगेगा। एक फुटबॉल को किक मारे तो वो चलते वह चलते रहेगा, सोचने वाली बात है। पता चलेगा कि मन में कि सर आप क्या बात कर रहे हो, आपने भी तो पढ़ाया, न्यूटन साहब इतने बड़े बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, फिजिस्ट थे, उन्होंने जब बातें बताया कि भाई ऐसा होता है तो हकीकत होता है सर, आप भी मानो ना। बेशक हम भी मानेंगे, लेकिन दरअसल आपको बता दूं, उन्होंने जो बातें बताया कि अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, इसका यह मतलब होता है कि उस पर और भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है, नेचर का फोर्स और भी लगता, उसको नेचर का फोर्स कहेंगे, नेचर का फोर्स और भी लगता है इधर उधर। कोई बॉडी मोशन में है तो जरूरी थोड़ा है कि फोर्स से लग रहा है यार, फोर्स का बहुत डिफरेंट टाइप्स है, बहुत तरह का फोर्स लगता होगा, फ्रिक्शन फोर्स भी लगता होगा, बहुत तरह का फोर्स लगता होगा। आप मान लो कि कोई बॉडी है, एक बॉडी को एक ऐसा स्पीड से फेंकते हैं ऊपर कि ग्रेविटी का जो रीजन होता है उसको क्रॉस कर जाता है, एक ऐसे स्पीड से फेंकिए, एक ऐसे मिनिमम वेलोसिटी से किसी बॉडी को हम अगर ऊपर फेंकते हैं तो अगर हमारे ग्रेविटी के रीजन को, ग्रेविटी का भी एक रीजन होता है कि इतना हाइट तक ग्रेविटी काम करेगा, इसके बाद नहीं काम करेगा, तो एक ऐसा मिनिमम स्पीड से, मिनिमम वेलोसिटी से किसी बॉडी को अगर ऊपर फेंकते हैं, अगर वह
ग्रेविटी के सराउंडिंग को, ग्रेविटी के रीजन को जब क्रॉस कर जाता है तो पता यह चलता है कि फिर वो रिटर्न नहीं आता है। मतलब क्या, वो चलते रहता है। तो जब गॉड माना मैं क्या करना चाह रहा हूं, वहां चलते रहा चलते रहा चलते रहा, वहां चल ही रहा है, वहां पर रुकने का कोई नाम ही नहीं है। तो बताना यह चाहेंगे क्या, अच्छा चल रहा तो मान लो चल रहा है, चलिए ठीक है। दूसरी बात मान लो ना कोई चीज को हम भेजे, फ्यूल गाड़ी ही भेजे या कुछ भेजे, मान लो स्पेस में मार्स में है तो उसमें फ्यूल की जरूरत है क्या, वहां तो सिर्फ चलता ही रहेगा। इसलिए चलता रहेगा क्योंकि वहां पर और कोई नेचर का फोर्स उस पर एक्ट नहीं हो रहा है, ना फ्रिक्शन लग रहा, ना एयर फोर्स लग रहा, ना एयर रेसिस्टेंस, कुछ नहीं लग रहा है। लेकिन यहां नेचर में, यहां सराउंडिंग में तो और भी फोर्स लग रहा है। इसलिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि बेसिकली आपका सिर्फ एक ही लॉ है, वो न्यूटन सेकेंड लॉ। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ जो है दरअसल न्यूटन सेकेंड लॉ से डिराइव किया गया है, और वही अभी हम पढ़ने वाले हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ को हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ से कैसे डिराइव करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ अभी लोग देखें क्या न्यूटन फर्स्ट लॉ डिराइव करने वाले हैं। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ जो हम लोग डिराइव करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ से, जरा गौर फरमाओगे, और ये टॉपिक जो है 9th और 11th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है कि हाउ कैन यू ड्राइव न्यूटन फर्स्ट लॉ फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, या हाउ कैन यू ड्राइव न्यूटन थर्ड लॉ फ्रॉम द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या कहता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ में प्रूव करना है डेरिवेशन, ये डेरिवेशन आपको करना भी ठीक है, डेरिवेशन करना है न्यूटन फर्स्ट लॉ। अब जैसे चीज किससे हमको मालूम करना, न्यूटन सेकेंड लॉ से। तो न्यूटन सेकेंड लॉ में न्यूटन साहब क्या कहते हैं, न्यूटन साहब हमें ये भी कहते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। ये नहीं होता है, वेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब क्या कि ऐसा ही तो हम पढ़े थे, डेल पी बाई डेल टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, ये हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ है। अब जरा गौर कमाओ, डेल पी बाई डेल टी, अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगर हम इक्वल देंगे तो इक्वल देने के बाद यहाँ पे कॉन्स्टेंट दिया जाता है, मान लो वो कॉन्स्टेंट क्या है, के है, तो के इंटू एफ, क्लियर है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए कॉन्स्टेंट दिया है। इफ अगर मान लो के का वैल्यू हमारा 1 है तो फाइनली मेरा क्या होगा, डेल पी बाई डेल टी इक्वल क्या होगा, k का वैल्यू 1 देंगे तो क्योंकि k कांस्टेंट है तो कांस्टेंट 1 दे देंगे, तो क्या होगा, डेल पी बाई डेल टी इक्वल एफ। अब डेल पी बाई डेल टी इक्वल एफ है, अब जरा सोचिए यहां पे फोर्स अप्लाइड ऑन एनी बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बात होता है, यही तो है न्यूटन साहब सेकंड, न्यूटन सेकंड लॉ, यही तो न्यूटन साहब अपने सेकंड लॉ में कहते हैं कि किसी भी बॉडी पे जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। जरा सोचिए अगर मान लो कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं हो रहा है, इफ देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, यहां ले देता हूं क्या, इफ देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, अगर मान लो कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा उस केस में हमारा क्या होगा, एफ जीरो, नेट फोर्स तो जीरो होगा अगर फोर्स नहीं लग रहा है। तो जब फोर्स हमारा नहीं लग रहा है इसका ये मतलब हुआ कि डेल पी बाई डेल टी इक्वल जीरो, एफ का वैल्यू हम जीरो पुट कर दिए, बातें समझ में आ रही है। चलिए अब डेल पी बाई डेल टी इक्वल जीरो होगा तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, गौर फरमाना, डेल पी मतलब क्या है, मोमेंटम है, और मोमेंटम इक्वल क्या होता है, बचपन में पढ़ा था, मास इनटू वेलोसिटी, वैसे यहां चेंज मोमेंटम है, फिलहाल मान लो क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, तो मास इनटू वेलोसिटी अब बाई डेल टी इक्वल जीरो, चलिए एम इंटू डेल बी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको बताओ मुझे कि एम इंटू डेल बी इक्वल हम जीरो कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारा क्या आएगा, डेल बी इक्वल क्या होगा, जीरो बाई एम, जीरो बाई एम, तो डेल बी को हम क्या लिखेंगे, जीरो को एम से डिवाइड करेंगे, जीरो आएगा। अब याद करो डेल बी बराबर जीरो इसका मतलब हुआ क्या, भी इक्वल जीरो, और भी इक्वल जीरो का क्या मतलब होता है, यही तो हमारा क्या है, वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा वेलोसिटी क्या है फर्स्ट लॉ में,
वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ कहते हैं ना, तो हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो गया, यही तो हमारा क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ है। क्लियर है बातें, एक बार क्लियर है तो बताना प्लीज। सिंपल, आप ये नहीं, ये समझा ये नहीं समझा कि हकीकत में न्यूटन का कितना लॉ, न्यूटन का एक ही लॉ, ये तो हमने नेचर ने बना के दिया तीन लॉ, लेकिन हकीकत में एक ही लॉ है। आप कहोगे न्यूटन साहब को बेवकूफ बना रहे, ऐसा बात नहीं है बेवकूफ बना रहे, लेकिन हाँ उन्होंने जो बातें बताया बिल्कुल फैक्ट ही बताया, उन्होंने न्यूटन सेकेंड लॉ से फर्स्ट और थर्ड लॉ है, तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट लॉ वेरीफाई हो गया। बातें क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या न्यूटन थर्ड लॉ, ये आपका न्यूटन थर्ड लॉ है, और हमें न्यूटन थर्ड लॉ किससे प्रूव करना है, न्यूटन थर्ड लॉ हमें प्रूव करना है न्यूटन सेकेंड लॉ से। तो जरा व्हाट लॉ यहां लेते हैं, डेरिवेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। अब हम डेरिवेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ बता रहे हैं, न्यूटन थर्ड लॉ को डिराइव करना है किसे, न्यूटन सेकेंड लॉ से। व्हाट माना, एक बॉडी एक दूसरा बॉडी है, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, इस पे फोर्स लगा मान लो एफ, फिर इसमें फोर्स लगा क्या मान लो एफ, ए भी बी पर फोर्स लगाएगा, बी पर क्या हो, बी भी क्या करेगा ए पर फोर्स लगाया, दोनों कॉन्टेक्ट में, ए ने इधर खींचा अब बी ने इधर खींचा, दोनों फोर्स लगाया ना। चलिए जब दोनों फोर्स लगाया तो आप बताओ हमें ये न्यूटन थर्ड लॉ प्रूव करना है, और न्यूटन थर्ड लॉ में हमें क्या आना चाहिए, आना चाहिए इक्वल एंड देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम लोगों को पढ़ा था ना, टू एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब एफ इक्वल माइनस एफ, यानी एफ ए बी इक्वल माइनस ए बी, इक्वल और माइनस साइन का क्या मतलब, अपोजिट आएगा, आपने पढ़ाया न्यूटन थर्ड लॉ। चलिए अब हमें न्यूटन थर्ड लॉ प्रूफ जो करना है इसमें, अब इसमें न्यूटन थर्ड लॉ प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, जरा गॉट मानिएगा, न्यूटन सेकेंड लॉ में न्यूटन साहब हमें क्या कहते हैं, हमें न्यूटन साहब यही कहते हैं कि डेल P by del T equal F होता है ना, यही तो हमें न्यूटन सेकेंड लॉ कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट, यही कहते हैं ना। चलिए अगर मान लो, जरा वर्ड माना, अगर मान लो कि A ने B पर अगर फोर्स लगाया तो मेरा यहां पे फोर्स क्या होगा, फोर्स हमारा क्या होगा, डेल P by del T equal F A B, हुआ कि नहीं। अगर मान लो ए ने बी पर फोर्स लगाया तो हम लिख सकते हैं क्या, ए ने बी पर फोर्स लगाया तो डेल बी बाई डेल टी इक्वल एफ ए बी, एफ ए बी का मतलब ए ने बी पे फोर्स लगाया, क्लियर है। फिर बी भी तो ए पे फोर्स लगा रहा है, तो यहां पे जब बी भी फोर्स ए पर लगा रहा है तो हम क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे क्या, डेल पी बाई डेल टी इक्वल क्या लिखेंगे, एफ बी ए, क्लियर है, बातें समझ में आ रही है ना। चलिए अब नेट फोर्स निकालना है यहां पर, हम नेट फोर्स, नेट फोर्स में हमारा क्या होगा, वर्क हमारा नेट फोर्स में हम लिखेंगे क्या, डेल एफ ए बी यानी डेल पी बाई डेल टी प्लस, मतलब नेट फोर्स तो हम यही नेट फोर्स डायरेक्टली आप लिख दो ना, नेट फोर्स आपका एफ ए बी होगा और एफ बी ए होगा, एफ ए बी प्लस एफ बी ए होगा ना नेट फोर्स आपका, यह मोमेंटम है डेल पी बाई डेल टी, हटा लो यार, टोटल फोर्स हम लगा लीजिए क्या, एफ ए बी प्लस एफ बी ए। अब मान लो यहां पे हमारा नेट फोर्स एफ ए बी प्लस एफ बी है, और यहां पे क्या कोई एक्सेलरेशन हो रहा है क्या, कोई इसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये देखो यहां इसका यही मतलब हुआ, आप कंफ्यूज मत करना, डेल पी बाई डेल टी प्लस डेल पी बाई डेल टी, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, कोई दिक्कत है। तो अब बताओ यहां पे मेरा वर्तमान में क्या करना चाह रहा हूं, यहां पे हमारा नेट एक्सटर्नल फोर्स कोई अप्लाई हो रहा है, यहां पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो उस केस में हमारा क्या होगा, एफ ए बी प्लस एफ बी ए इक्वल जीरो हो जाएगा, और जब एफ ए बी प्लस एफ बी ए इक्वल जीरो होगा तो क्या मैं यहां पर दिख रहा होगा, क्या मैं यहां पर लिख देता हूं, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, एफ ए बी इक्वल माइनस एफ बी ए,
और जरा देखिए, यही तो मेरे को न्यूटन थर्ड लॉ है जो मेरे को लाना था, न्यूटन थर्ड लॉ। क्या ये आपका न्यूटन थर्ड लॉ है। उम्मीद है बातें आपको क्लियर है। यहां पे हमने दो दो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराया, न्यूटन सेकेंड लॉ से न्यूटन फर्स्ट लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ। उम्मीद है बातें क्लियर है। अगर बातें क्लियर है प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दिए। तो आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।